बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे पास आज पेपर है फरवरी मार्च 22 का, सबसे लेटेस्ट पेपर इस वक्त ये है हमारे पास। और क्वेश्चन को शुरू करते हैं बेटा। पहला सवाल है, विच एक्शंस आर टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ द टोटल्स ऑफ अ थ्री कॉलम कैश बुक एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। थ्री कॉलम कैश बुक अगर आपको याद हो बेटा, इसमें तीन कॉलम होते हैं, कैश, बैंक और डिस्काउंट, सही है। तो कैश और बैंक कॉलम को हम क्या करते हैं? कैश और बैंक कॉलम को बेटा हम बैलेंस करते हैं। कैसे पता चला? बैलेंस, बैलेंस ये होता है बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी। लेकिन जो डिस्काउंट के कॉलम होते हैं बेटा, उसका बैलेंस सीडी यहाँ नहीं होता, उसको हम यहाँ पर सिर्फ टोटल करते हैं। क्या करते हैं? टोटल। और डिस्काउंट के बिना हम अलग से टी अकाउंट्स बनाते हैं, याद है। जो थ्री कॉलम कैश बुक होती है बेटा, वो डबल एंट्री का पार्ट है, लेकिन किसके लिए? कैश और बैंक के लिए। थ्री कॉलम कैश बुक जो है और जो पेटी कैश बुक होती है, वो डबल एंट्री का पार्ट है। किसके लिए? सिर्फ कैश और बैंक के लिए या पेटी कैश अकाउंट के लिए। जो इसके अलावा अकाउंट है, डिस्काउंट अलाउड और रिसीव, वो उसके लिए वो डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। तो उसको हम क्या करते हैं? सिर्फ टोटल करते हैं, सही है, टोटल करते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर टू में देखें, विच आइटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है बेटा जो कभी कभार होता है। रिपेयर कॉस्ट जो होती है वो तो रेवेन्यू होती है। रीपेंटिंग बिजनेस नेम ऑन डिलीवरी वैन। रीपेंटिंग पहले से पेंट हुआ हुआ था, वो नाम मिट गया तो दोबारा पेंट कर रहे हैं, तो वो रेवेन्यू होगा। लीगल कॉस्ट बेटा कैपिटल होती है। लीगल कॉस्ट पे टू परचेज एन ऑफिस बिल्डिंग। लीगल कॉस्ट टू कलेक्ट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। भाई देखें, जो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल होगा ये तो बार बार लग सकती है कॉस्ट। जब भी हमारे कस्टमर हमें पैसे नहीं देंगे तो हम उनके अगेंस्ट जो लीगल प्रोसीडिंग कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन जब बिल्डिंग खरीद रहे हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा रहे हैं, सही है, तो वो एक ही दफा होगा, वो बार बार नहीं होगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर थ्री में देखते हैं बेटा, डिप्रिसिएशन पे आ जाता है फॉरन, ये सही आसरा ही नहीं करता। कह रहा बेटा 1 जुलाई 2021 पे टिम बोट डिलीवरी वैन फॉर 10,000। कितने की वैन भाई? 10,000। एडिशनल $900 पे किए हैं टू हैव रैक्स फिटेड इनसाइड। क्या कह रहे बेटा? डिलीवरी वैन में जो है हमने रैक्स की फिटिंग करवाई है, कितना? $900। तो मुझे बताएं, अगर हम रैक्स फिट करा रहे हैं तो ये कैपिटल होगा या रेवेन्यू? जी कुछ कह रहे हैं, सही है जी। तो बेटा जो $900 हमने लगाया है, रैक्स लगाया है, और उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी वैन की, सही है। और जो इंश्योरेंस होता है बेटा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, सही है। डिप्रिसिएशन बेटा प्रोवाइड करें एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, मतलब स्ट्रेट लाइन है। फुल ईयर डिप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर एक्विजिशन, मंथ वाला कोई चक्कर नहीं है। व्हाट वाज द टोटल फॉर एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन टिम इनकम स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ द वैन फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2021। तो अगर आप देख लो बेटा, वैन कितने की खरीदी है? 10,000 रुपए की, और 900 उस पर रैक्स का खर्चा हुआ। टोटल वैन कितने की हो गई भाई? 10,900 की, एग्री करा। अब इस पे अगर हम लगाते बेटा 10%, तो डिप्रिसिएशन कितनी होगी? 1090 हो जाएगी, एग्री करा। उसके अलावा ये जो $800 बेटा हमने पे किया, ये इंश्योरेंस का पे किया है एक साल का, सही है। अब आप देखो, इंश्योरेंस तो एक्सपेंस है ना, तो इसमें तो हम मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, इसमें तो फुल ईयर नहीं होता, सही है ना, वो तो डिप्रिसिएशन में होता है। जुलाई में बेटा हमने वैन खरीदी और इंश्योरेंस कराया, और ईयर एंड कब हो रहा है? सितंबर। तो जुलाई से सितंबर काउंट करो, कितने महीने हो गए वैन लिए हुए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 months ओनली। तो बेटा ये 3 महीने का इंश्योरेंस भी एक्सपेंस में जाएगा नहीं जाएगा? बेटा अगर 800 है पूरे साल का, तो इसको हम 3/12 कर दे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, 200। तो बेटा 1090 हमारी हो गई डिप्रिसिएशन, और 200 हमारा हो गया इंश्योरेंस एक्सपेंस। दोनों को ऐड कर लें बेटा, तो जो टोटल एक्सपेंस होगा वो होगा 1290। वो कह रहा है बेटा इनकम स्टेटमेंट में बताओ टोटल एक्सपेंसेस कितने जाएंगे। तो एक्सपेंसेस में बेटा हमारी डिप्रिसिएशन भी आ जाएगी और इंश्योरेंस भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा, देखें। कह रहा है बिजनेस का ईयर एंड हो रहा है दिसंबर में, तो ईयर स्टार्ट हो रहा होगा जनवरी में। परचेज किए नॉन करंट एसेट इन जनवरी 2020 फॉर 1 lakh। कितने का एसेट है भाई? 1 lakh। सिंपल हिसाब किताब, एसेट वर डिप्रिशिएटेड यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस एट द रेट 20%, सही है, रिड्यूसिंग बैलेंस एट 20%, और सोल्ड कर दिया हमने 40,000 का ऑन जनवरी 2022। हमने गेन या लॉस निकालना, बहुत आसान है बेटा। अगर आप देखो, खरीदा कितने का था? 1 lakh। डिप्रिशिएशन का रेट क्या बेटा? 20%। कब खरीदा बेटा? जनवरी 2020। पहला ईयर एंड कब होगा बेटा? दिसंबर 20, और दूसरा ईयर एंड कब होगा? दिसंबर 21, और बेचा कब है? जनवरी 22। तो 2 साल यूज होगा। तो बेटा पहला साल हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1 lakh पे, कितना परसेंट? 20%। कितना हो जाएगा? 20,000।
सही है, जब नेक्स्ट ईयर लगाएंगे तो 1 लाख पे 20% नहीं लगाएंगे बल्कि 80,000 पे लगाएंगे 20%। कैलकुलेटर बेटा, 80,000 का 20% ये आ जाएगा 16,000। तो बेटा कॉस्ट में से अगर एक्यूमुलेटेड माइनस कर दे तो बुक वैल्यू आ जाएगी 1 लाख में से बेटा 36 माइनस करेंगे कितना बचेगा बताएं, 64 आ रहा है। अब बेटा बुक वैल्यू हमारी 64 और हमने बेचा कितने में बता रहा है, ये हमने बेचा है फॉर 40, कितने में बेचा है 40। बताएं बुक वैल्यू से बेटा कम में बेचा या ज्यादा में, कम में बेचा, कितना कम बेटा 24,000। तो ये 24,000 क्या हो जाएगा बेटा, लॉस हो जाएगा। और अगर बुक वैल्यू से ज्यादा में बेच देते तो क्या हो जाता बेटा, गेन ऑन डिस्पोजल हो जाता। सही है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, व्हाट इज एंटर्ड इन सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, एसएलसीए में क्या चीजें आती है। बेटा एसएलसीए डेटर का अकाउंट होता है, कैश सेल कभी भी डेटर अकाउंट में नहीं आती, कैश सेल या कैश परचेस। इंक्रीज इन प्रोविजन भी डेटर अकाउंट में नहीं आता, प्रोविजन अगर इंक्रीज होता है क्या एंट्री बनाते हैं बेटा, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट क्रेडिट, इसमें डेटर का कहीं जिक्र नहीं। हाँ, जो इररिकवरेबल डेट होता है, बैड डेट होता है, वो आता है एसएलसीए में। रिटर्न इनवर्ड, बिल्कुल रिटर्न इनवर्ड आता है, तो 3 ओनली रिटर्न इनवर्ड आता है बेटा क्रेडिट साइड पे, याद है, ये हो गया। आगे बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायल बैलेंस इंक्लूडेड एज सस्पेंस अकाउंट। सही है, सस्पेंस का बात है बेटा, जब ट्रायल बैलेंस हमारा बैलेंस ना हो तो हम क्या खोल देते हैं, एक नया अकाउंट खोल देते हैं, उसका नाम होता है सस्पेंस। कह रहा सर द बैंक बैलेंस ऑफ 28412 हैड मिस्टेकनली बीन एंटर्ड एज एन ओवरड्राफ्ट। क्या कहता है सर, बैंक बैलेंस को हमने गलती से ओवरड्राफ्ट ट्रीट कर लिया एंड प्लेस ऑन द क्रेडिट साइड एज 28142। सही है, अब यहाँ पे दो अलग अलग मिस्टेक्स किए, एक तो अमाउंट भी गलत लिखा है और जो पॉजिटिव बैलेंस है उसको हमने एज एन ओवरड्राफ्ट ट्रीट किया। There has also been an addition error, a totaling error भी हुआ है, and the debit side of the trial balance have been undercast by 450. Which entry in the suspense account will correct these errors? तो हमें बताना है भाई suspense account को हम सही करने के लिए क्या करेंगे। अगर आप देखें बेटा यहाँ पे दो अलग अलग mistakes हैं। पहली mistake में मैंने क्या किया कि जो bank balance था वो positive होता है, हमने गलती से उसको overdraft लिख दिया। आपको पता है बेटा अगर एक डेबिट बैलेंस है उसको हमने गलती से क्रेडिट कर दिया तो अब हमें डबल अमाउंट से डेबिट करना चाहिए। सही, लेकिन यहाँ थोड़ी मुश्किल बात यह है कि दोनों अमाउंट भी सेम नहीं है। अगर आप गौर से देखें, अगर ये दोनों अमाउंट सेम होते तो हमने डेबिट को क्रेडिट कर दिया था, अब हम डबल अमाउंट से बैंक को डेबिट कर देते। लेकिन अभी हम डबल अमाउंट नहीं करेंगे बल्कि 28412 प्लस 28142 दोनों को ऐड करेंगे और उससे बैंक को बढ़ाएंगे, डेबिट साइड को बढ़ाएंगे, और जहाँ कुछ नहीं आता वहाँ पे क्या आ जाता है बेटा, सस्पेंस। और दूसरा, हमने एक टोटलिंग एरर किया, ऑल्दो उसकी हम कोई एंट्री नहीं बनाते लेकिन वैसे ही मैंने एंट्री बना के आपको बताई है। टोटलिंग एरर हुआ है, हमने ओवरकास्ट कर दिया है डेबिट साइड को ट्रायल बैलेंस को। क्या कह रहा है, एडिशन एरर एंड द डेबिट साइड। सही है, हमने ओवर नहीं किया, हमने अंडरकास्ट कर दिया, डेबिट साइड को कम कर दिया है, तो अब हम डेबिट साइड को बढ़ाएंगे, तो ट्रायल बैलेंस को बेटा हम फर्दर डेबिट करेंगे। बेसिकली ये एडिशन का एरर है। सही है, तो हम ट्रायल बैलेंस को मजीद बढ़ाएंगे, डेबिट साइड को और सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे। तो हमें बताना था भाई सस्पेंस को करेक्ट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट में क्या एंट्री बनाएंगे। सही है, इसका मतलब बेटा सस्पेंस का जो ओरिजिनली बैलेंस आ रहा होगा वो डेबिट आ रहा होगा कितने से, 57004, लेकिन इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सही है, तो अगर इसका सस्पेंस अकाउंट अगर आपको बनाकर बता दूं तो ये जो दो एरर्स होंगे जब हम इसको सही करेंगे, एक यहाँ पर आ रहा है 56554 के नाम से और दूसरा आ रहा है बेटा 450 के नाम से। सही है, एक आ गया बैंक और एक है आपका कास्टिंग एरर। सही है, अब इन दोनों को हम टोटल करेंगे, जो ओरिजिनल डिफरेंस आ रहा होगा वो आ रहा होगा डेबिट साइड पर। लेकिन हमने ओरिजिनल डिफरेंस की बात नहीं बतानी, हमने बताना है कि सस्पेंस को क्रेडिट कितना करना है करेक्ट करने के लिए। अगर वो पूछता ओरिजिनल डिफरेंस कितना आ रहा है तो वो डेबिट पे आ रहा होता कितना, 57004। सही जी, क्वेश्चन नंबर 7 में देखे बेटा कौन सी बात सही है, द बैलेंस ऑन द इररिकवरेबल डेट अकाउंट इज कैरीड डाउन टू द नेक्स्ट पीरियड। बेटा याद रखें, कभी भी जो बैड डेट होता है उसको बैलेंस सीडी नहीं करते बल्कि हर साल के एंड पे उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, इनकम स्टेटमेंट में। कभी भी बैलेंस सीडी नहीं होता। द बैलेंस ऑन द इररिकवरेबल डेट अकाउंट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट। बात बिल्कुल सही है,
बेटा ये जो एयर रिकवरेबल डेट होता है ये एक्सपेंस में ट्रांसफर हो जाता है इनकम स्टेटमेंट में, क्या एंट्री बनाते हैं, एयर रिकवरेबल डेट जो डेबिट होता है ईयर एंड पे उसको खत्म करने के लिए हम क्रेडिट कर देते हैं और इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देते हैं। बात सही है। बैलेंस ऑन द प्रोविजन अकाउंट इज कैलकुलेटेड बिफोर द डिडक्शन ऑफ एयर रिकवरेबल डेट। बात गलत है, क्योंकि बेटा पहले एयर रिकवरेबल डेट माइनस होता है फिर प्रोविजन कैलकुलेट होता है। सही, तो बिफोर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आफ्टर होगा। द बैलेंस ऑन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस। ये झूठ बात है बेटा, ट्रायल बैलेंस में सारी चीजें आती है। सही है, बैड डेट का बैलेंस नहीं आता, वो ट्रांसफर हो जाता है इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन ये वाला आता है आपका प्रोविजन आता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में देख ले क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर बिजनेस एट 31 December 2020। यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है हमें, जनरल एक्सपेंसेस की बात है, हमें बताना है बेटा इनकम स्टेटमेंट में कौन सी वैल्यू होगी। बहुत आसान है बेटा, एक्सपेंस के लिए याद है हम एक टी अकाउंट बनाते हैं, पाप अकाउंट, प्रीपेड, अक्रूड, अक्रूड और प्रीपेड, क्या है भाई, जनरल एक्सपेंस। सही, तो अगर आप देखें बेटा हमारा ईयर एंड हो रहा है December 21 में, जनरल एक्सपेंस एरियर्स दिया हुआ है। एरियर्स क्या होता है बेटा, अक्रूड होता है, ये इधर आ जाएगा। जनरल एक्सपेंस इन एडवांस, एडवांस क्या होता है बेटा, प्रीपेड। जनरल एक्सपेंस दोबारा एरियर्स दिया हुआ है, तो क्लोजिंग एरियर्स इधर आ जाएगा, और क्लोजिंग एडवांस दिया हुआ है, एडवांस प्रीपेड होता है बेटा। जब हम एक्सपेंस पे करते हैं क्या एंट्री बनाते हैं, जनरल एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितना पे किया बेटा इस साल, 11,500। और बेटा आपको पता है वैसे तो एक्सपेंस डेबिट होता है, लेकिन ईयर एंड पे इसको खत्म करने के लिए हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, इनकम स्टेटमेंट। बेटा अगर हम इसको टोटल कर लें, बड़ी साइड कौन सी आ रही है, डेबिट, ये आ रही है 12,460। इसमें से दोनों माइनस कर दे, 12,460 माइनस 420 और 120, कितना बचा सर, 11,920। तो ये आसान है बेटा, एक्सपेंस अकाउंट बना के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का एक और भी तरीका हमने पढ़ा था, और वो ये था कि सबसे पहले आप ले लें बैंक, सबसे पहले कौन सी वैल्यू ले लें बैंक, उसके बाद आपने क्या करना बेटा कि आपने एक बात पढ़ी है कि बैंक आ रहा है 11,500। हमने एक निमोनिक पढ़ा है APPM, याद है, अक्रूड प्लस प्रीपेड माइनस, अपना प्राइम मिनिस्टर, अक्रूड प्लस प्रीपेड माइनस। लेकिन ये जो अक्रूड प्लस प्रीपेड माइनस होता है बेटा, ये कब होता है, ये एंड ऑफ द ईयर होता है। तो अगर आप देख लो बेटा, एंड ऑफ द ईयर अक्रूड कितना है 720, ये प्लस हो जाएगा, और प्रीपेड कितना है बेटा एंड ऑफ द ईयर 120, ये माइनस हो जाएगा। ऐसे बेटा अगर अक्रूड प्लस हो रहा है एंड ऑफ द ईयर पे, तो स्टार्ट ऑफ द ईयर अक्रूड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जो प्रीपेड बेटा माइनस हो रहा है एंड ऑफ द ईयर, अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर प्रीपेड है तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सही है, तो उससे भी यही आंसर आएगा। तो अब आप ऐसे देख लें बेटा, ये बैंक में ये दोनों चीजें ऐड हो रही हैं। कैसे पता चला, क्योंकि दोनों इसी साइड पे आ रही है ना। तो ये देखें भाई, 240 और 720 के अभी भी ऐड हो रहा है, देखें 240 और 720 ऐड हो रहा है 11,500 में। और चूंकि बेटा ये दोनों चीजें ऑपोजिट साइड पे हैं, ये बैंक वाली साइड पे नहीं आ रही, इसलिए हमें इन दोनों को माइनस करना है। किसको, 420 और 120, इन दोनों को माइनस करना है। तो सेम आंसर आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखे बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन वुड द ईयर एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री नीड टू बी एडजस्टेड। क्या कह रहा है भाई, इन्वेंट्री को हमने एडजस्ट कब करना है ईयर एंड पे, ये आपको बताना है। व्हेन इन्वेंट्री हैज नॉट येट बीन पेड फॉर, या देखो अगर इन्वेंट्री उधार पे खरीदी है तो उसको कोई एडजस्ट करने की जरूरत तो नहीं होती ना, चाहे उधार पे खरीदें या कैश पे खरीदें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हेन सेलिंग प्राइस हैज फॉलन बिलो कॉस्ट, बिल्कुल, जब एनआरवी, सेलिंग प्राइस या एनआरवी, बात देखिए नेट रिलाइजेबल वैल्यू, हैज फॉलन बिलो कॉस्ट। एक यूनिट मैंने खरीदा 100 का कॉस्ट है और इसकी एनआरवी हो गई फॉर एग्जाम्पल 70, तो अब बताएं हमें इसको कॉस्ट पे रखना चाहिए या एनआरवी पे, एनआरवी पे। तो बिल्कुल जब सेलिंग प्राइस कम हो जाती है, सही है, तो अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। व्हेन द ओनर हैज रिकॉर्डेड टेकिंग गुड्स फॉर ओन यूज ड्यूरिंग द ईयर, यार देखो जब ओनर गुड्स की ड्रॉइंग करता है तो हम इन्वेंट्री को एडजस्ट नहीं करते, हम क्या एंट्री बनाते हैं, हम एंट्री बनाते हैं ड्रॉइंग डेबिट और परचेज क्रेडिट, याद है। तो याद रखे बेटा, जब हम ड्रॉइंग करते हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में से नहीं करते, वो हम परचेज में से करते हैं, तो इसमें हमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर आ रहा है बेटा 2 ओनली। तो याद रखें इन्वेंटरी की जो एडजस्टमेंट होती है वो ड्रॉइंग ऑफ गुड्स की नहीं होती, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स की एडजस्टमेंट होती है परचेज में से। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें बेटा क्या कह रहा है, बिजनेस का ड्राफ्ट प्रॉफिट दिया हुआ है। ड्राफ्ट प्रॉफिट क्या होता है बेटा, वो प्रॉफिट है जिसमें अभी कोई मस्ती बाकी है। यहाँ पे बेटा दो एरर्स दिए हुए, हमें निकालना है करेक्टेड प्रॉफिट। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम ड्राफ्ट प्रॉफिट से, जो कि हमारा 250। कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज वाज 25, द फिगर शुड हैव बीन 40। हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी बेटा, 25, लेकिन कितनी चार्ज करनी चाहिए, 40। तो हमने कम चार्ज किया ना, तो
तब हम मजीद डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे दोनों का डिफरेंस। जब हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा एडिशनल डिप्रिसिएशन की वजह से। क्लोजिंग इन्वेंट्री फॉर द पीरियड वॉज अंडर वैल्यूड बाय 10,000। बेटा हमने क्लोजिंग को कम कर दिया था। क्लोजिंग बेटा जितनी कम होती है उतनी कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है। क्लोजिंग कम होने से प्रॉफिट कम हो गया होगा, अब हम क्लोजिंग को बढ़ाएंगे। जितनी क्लोजिंग ज्यादा होगी बेटा उतनी कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी और उतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हमें बेसिकली 10,000 प्लस करना है। तो बेटा 250 में 15 माइनस करना है और 10 प्लस करना है, तो ओवरऑल हमने 5,000 माइनस करना है ना। तो ओवरऑल 5,000 माइनस कर दे बेटा, कितना आ जाएगा हमारा करेक्टेड प्रॉफिट 245,000। सही है जी, 245 है हमारा करेक्टेड प्रॉफिट। 11 में देख लेते जी क्या कह रहा है। अ कैपिटल अकाउंट फॉर अ सोल ट्रेडर कंटेन 3 एंट्रीज इन एडिशन टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। क्या कह रहा है बेटा, ये कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है और इसमें 3 एंट्रीज है। हमने बताना है बेटा कि कौन सी चीज कैपिटल अकाउंट में डेबिट पे आएगी और कौन सी चीज क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब बेटा कैपिटल बढ़ रहा है और डेबिट का मतलब कैपिटल कम हो रहा है। तो बेटा जब हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो तो क्रेडिट पे आना चाहिए ना, उससे तो कैपिटल बढ़ेगा। और ड्रॉइंग का आना चाहिए डेबिट पे आना चाहिए। सही है, कैपिटल जब इंट्रोड्यूस करेंगे उससे कैपिटल बढ़ेगा, ड्रॉइंग से कैपिटल कम होता है, लॉस से भी कैपिटल कम होता है। तो पहली बात तो गलत है। सेकेंड, कैपिटल इंट्रोड्यूस क्रेडिट पे आना चाहिए गलत है, ड्रॉइंग जो है वो डेबिट पे आनी चाहिए बात सही है, प्रॉफिट क्रेडिट पे आना चाहिए बात सही, ड्रॉइंग डेबिट पे आती है बेटा बात सही है, लॉस से कैपिटल कम होता है और कैपिटल इंट्रोड्यूस से कैपिटल बढ़ जाता है। तो बेटा सी जो है वो राइट आंसर। सही, तो बेटा जिस चीज से कैपिटल बढ़ेगा वो क्रेडिट और जिस चीज से कैपिटल कम होगा वो डेबिट। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें जी क्या कह रहा है। ईयर एंड ऑफ द बिजनेस कब हो रहा है, 31st December 2021। 5th जनवरी में कह रहा है इन्वेंट्री वॉज काउंटेड एंड वैल्यूड एट 30,000। कितनी है बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री, 30,000। और बेटा ईयर एंड हो रहा है दिसंबर में, लेकिन हमें कब फुर्सत मिली इन्वेंट्री काउंट करने की, 5th जनवरी। कितने दिन हमने जाया कर दिए भाई, 5 दिन। तो अब हमने करना ही होगा बेटा ये जो 5 दिन में जितने ट्रांजेक्शन हुए उन सबको क्या करना होगा, रिवाइंड करना होगा, उन सबको हमने क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। कैसे करेंगे देखते हैं बेटा। स्टार्ट करते हैं हम ड्राफ्ट इन्वेंट्री से। ड्राफ्ट वैल्यू इन्वेंट्री की वो है जो हमने 5 दिन बाद की इन्वेंट्री काउंट की, जो कि कितनी आ रही है, 30। अब देखें आपको पता है बेटा जैसे हम इन्वेंट्री अगर बाय करते हैं तो उससे इन्वेंट्री बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे, उल्टा चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बेटा दिसंबर से जनवरी में नहीं जा रहे कि हम फॉरवर्ड वर्किंग करें, हम जनवरी 5 की जो इन्वेंट्री है उससे हम 5 दिन पहले जाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, रिवाइंड करेंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन से इन्वेंट्री बढ़ती है उनको माइनस कर देंगे और जिससे इन्वेंट्री कम होती है उसको प्लस कर दें। गुड्स परचेज एंड रिसीव आफ्टर द ईयर एंड कॉस्टिंग 1500 हैव बीन इंक्लूडेड। तो मुझे बताएं बेटा ये हमने ईयर एंड के बाद खरीदा है ना, क्या ईयर एंड पे स्टॉक पड़ा हुआ होगा, नहीं पड़ा होगा। तो बेटा परचेज से वैसे स्टॉक बढ़ता है, लेकिन हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, स्टॉक को अपना कम कर देंगे, क्योंकि ईयर एंड पे बेटा ये स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा। कह रहा है बेटा नोट टू मेड इंक्लूडेड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर आफ्टर द ईयर एंड। सेल रिटर्न कब हुआ है बेटा, आफ्टर ईयर एंड। क्या ईयर एंड पे ये माल वापस आ गया होगा, नहीं आया होगा, ये ईयर एंड के बाद आया है। सही है, तो वैसे क्या होता है सेल रिटर्न से स्टॉक प्लस होता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा अब ये जो इन्वेंट्री हमने बेची थी इसकी सेलिंग प्राइस है 900 और मार्कअप है 25%। अच्छा मुझे बता हम इन्वेंट्री जो अपने पास रखते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे रखते हैं नॉर्मली या सेलिंग प्राइस पे। नॉर्मली बेटा हम लोअर वैल्यू पे रखते हैं कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन इन्होंने जो दी हुई है 900 वाज सेलिंग प्राइस है। तो बताएं सेलिंग प्राइस पे मार्जिन लगता है या मार्कअप। सेलिंग प्राइस पे बेटा लगता है मार्जिन, लेकिन हमें सवाल में क्या दिया हुआ है, मार्कअप। तो बेटा मार्कअप से मार्जिन में जाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है, मार्कअप अपॉन 100 प्लस मार्कअप। सही है, तो 25 अपॉन 125 कर दें तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 20% मार्जिन आ जाएगा। 900 पे लगा दे 20%, ये आ गया 180। 900 में से 180 माइनस करें कितना बचा, 720। तो 720 से हम अपनी इन्वेंट्री को कम कर देंगे। इन्वेंट्री को कम क्यों कर रहे हैं बेटा, ये स्टॉक वापस तो आ गया है, रिटर्न तो आ गया है, लेकिन ये नए साल में आया है, पिछले साल नहीं आया था, तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये अगले साल का ट्रांजेक्शन है, 22 का ट्रांजेक्शन है, 21 का ट्रांजेक्शन है। सम गुड्स इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री कॉस्टिंग 500 वर डैमेज, ये डैमेज हो चुकी है और अब इसकी हमें एनआरवी निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट है 500 और अब बिकेगी कितने में बेटा, 300 इसकी फेयर वैल्यू है और रिपेयरिंग का कॉस्ट कितनी, 100। तो 300 माइनस 100 करें, एनआरवी कितनी आ गई, 200। हमने इसको कितने पे रखा हुआ है, 500, लेकिन इसकी एनआरवी कितनी है, 200। तो हमें इसको लोअर पे रखना चाहिए, तो इन्वेंट्री को हम राइट डाउन करेंगे। सही है ना,
इन्वेंट्री को राइट डाउन करेंगे बेटा, एनआरवी के एडजस्टमेंट, कितनी वैल्यू गिर गई 500 से 200 पे आ गए, तो 300 से हमने अपनी इन्वेंट्री को क्या करना है, कम करना है। तो ये बेसिकली रिवर्स वर्किंग वाला नहीं था लास्ट ट्रांजेक्शन, ये हमारा नॉर्मल ट्रांजेक्शन है इन्वेंट्री का। तो 30,000 जो ड्राफ्ट है इसमें से तीनों माइनस करना पड़ेगा हमें, और बेटा हमारे पास जो आ रही है करेक्ट वैल्यू वो आ रही है 27480, सही है जी, 27480। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ ले बीच में। सर जी, सर उसमें क्या कह रहे हैं, 13 में हमें कुछ डेटा दिया हुआ है सोल ट्रेडर का, प्रोवाइड द फॉलोइंग प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल, सही है, तो कैसे निकलेगा भाई, नॉन करंट एसेट इंक्रीज बता रहा है, करंट एसेट इंक्रीज, करंट लायबिलिटी इंक्रीज, एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट। जैसे अगर आपको याद हो, सबसे पहले हम लेते हैं ओपनिंग कैपिटल, अगर कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है तो वो प्लस कर देते हैं, याद है, और बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है वो प्लस कर देते हैं, ड्रॉइंग्स जो होती है वो माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है, ऐसा ही होता। अब आप देखो बेटा, नॉन करंट एसेट बढ़ गए हमारे 25,000 से, तो अकाउंटिंग इक्वेशन याद है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो बेटा अगर एसेट हमारे नॉन करंट भी बढ़ रहे हैं और करंट भी बढ़ रहे हैं, सही, 25 और 10, तो इसका मतलब 35 से एसेट बढ़, तो बेटा एसेट अगर बढ़ेंगे 35 से तो कैपिटल बढ़ जाएगा कितने से, 35 से, एग्री करें, एसेट बढ़ने से कैपिटल बढ़ता है, लेकिन लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो उससे कैपिटल क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, ऐसे ही है ना, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है बेटा तो उससे हमारा कैपिटल कम हो जाएगा कितने से, 12.5। तो ओवरऑल अगर आप देख लें ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल कितने से बढ़ा है बेटा, 35 से एसेट्स बढ़ रहे हैं और 12.5 से लायबिलिटी बढ़ रही है, तो ओवरऑल कैपिटल बढ़ गया बेटा 22,500। तो अगर हम अज्यूम करें ओपनिंग कैपिटल जीरो था, हमें नहीं पता, तो क्लोजिंग कितना होना चाहिए, 22,500। तो नेट डिफरेंस कितना होना चाहिए बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग का, 22,500, कितने से कैपिटल बढ़ रहा है, 22,500। अब बेटा अगर आप देखो एडिशनल कैपिटल डाला है कितना, 20,000, ये ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट हमें नहीं पता बेटा, वो हमने फाइंड करना है, ड्रॉइंग माइनस कर देते हैं, ड्रॉइंग कितनी है बेटा, 13,000। तो क्या रिवर्स वर्किंग करके अब हम ये प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर, हम स्टार्ट करेंगे क्लोजिंग कैपिटल से, जो ड्रॉइंग माइनस हो रही है उसको प्लस कर दें और जो बाकी चीज़ें ऐड हो रही है उनको माइनस कर दें, ओपनिंग तो अब यहाँ पे है नहीं हमारे पास, तो 22,500 से कैपिटल बढ़ गया और ड्रॉइंग हमने की है 13 और ऐड कर दें और एडिशनल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दें, तो बेटा कितने से हमारा प्रॉफिट हुआ होगा, 15,500 से, सही है। इसकी लॉजिक ये है बेटा कि 20,000 मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है और 13,000 मैंने क्या किए, ड्रॉइंग किए, कैपिटल मैंने प्रॉफिट कितना कमाया होगा बेटा, 15,500। अगर इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दें बेटा, 20,000 मैंने इन्वेस्ट किया, 15,500 मैंने कमाया, टोटल मेरा कैपिटल कितना से बढ़ना चाहिए बताएं, 35,500, जिसमें से 13,000 मैंने क्या की, ड्राइंग कर दी, तो ओवरऑल इस साल कैपिटल कितने से बढ़ा, 22,500, सही। और अगर ये पहला साल है तो क्लोजिंग कैपिटल यही होगा, और अगर दूसरा साल है तो जितना ओपनिंग होगा वो भी इसमें ऐड कर देंगे, सही है। तो बहरहाल इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंगल एंट्री का सवाल है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। 14 में क्या कह रहा है सर, विच रूल डज नॉट अप्लाई इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, ये पहले भी आया सवाल, अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो बेटा कौन सा रूल अप्लाई नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन लोन तो होता है लेकिन वो 6% नहीं होता, वो 5% होता है, तो यही इसका आंसर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करेंगे, ये बात सही है, लेकिन हमने बताना है कौन सा रूल अप्लाई नहीं होता, तो ये रूल तो अप्लाई होता है, अगर पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट नहीं बनाते तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता, सैलरी भी नहीं होती, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं होती, सिर्फ एक चीज होती है इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि होता है 5%, सही, ये 6% गलत है, ये 5% बस। 15 में देखिए बेटा क्या कह रहा है, पी एंड क्यू दो पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, इक्वल पार्टनर है, 50-50। 1 जनवरी में बेटा द पार्टनर्स हैड पार्टनरशिप हैड नेट असेट ऑफ 4,10,000, नेट असेट क्या होता है, कैपिटल होता है, ओवरऑल कैपिटल, सही है। एट दैट डेट एक नया पार्टनर आर बिजनेस में आ रहा है, पार्टनरशिप चेंजेस है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कह रहा है व्हाट वाज द चेंज इन क्यूज कैपिटल इमीडिएटली आफ्टर आर्स एडमिशन, आर के आने की वजह से क्यू की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा है, तो हम क्यू के कैपिटल की बात कर रहे हैं, सही है जी। तो बेटा वो कह रहे हैं नेट एसेट रीवैल्यू हो गए 4,80, तो बेटा देखो पहले कितने थे नेट एसेट 4,10 और अब कितने हो गए 4,80, तो बताए ओवरऑल कैपिटल बढ़ गया ना हमारा, तो ये प्रॉफिट हुआ होगा ना, 410 से 70 बढ़ गया, 70,000 से बढ़ गया ना, तो बेटा ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन जो होता है, गेन का शेयर हम क्यू को देंगे, इक्वल पार्टनर है ना, तो 70 का हाफ कर दो, कितना गेन मिलना चाहिए बेटा क्यू को, 35। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 50,000 विल नॉट टू बी रिटेन इन द बुक्स, इसका मतलब बेटा पहले गुडविल क्रेडिट होगी, याद है वो आपने पढ़ा निमोनिक एंड डॉक,
न्यू रेशो डेबिट और ओल्ड रेशो क्रेडिट। ओल्ड रेशो में बेटा इक्वल पार्टनर थे तो 50,000 को इक्वली दो में डिवाइड कर दो तो 25, और अब गुडविल यहाँ पे डेबिट साइड पे अब तीन पार्टनर बन गए, और तीन पार्टनर का रेशियो क्या है, पी क्यू और आर। हमें किसका चाहिए बेटा, हमें क्यू का चाहिए, क्यू का है 40%। तो बेटा एक काम करना है, 50,000 गुडविल का 40% लगाना है, 5 4 20, सही है। और अब हमें बताना है नेट इफेक्ट क्या हो रहा है। बेटा अगर आप देखो 35 और 25 को ऐड करें, 60 से हमारा कैपिटल क्या हो गया, क्यू का बढ़ गया और 20 से कम हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देखें कैपिटल बढ़ रहा है कितने से, 40 से, इंक्रीज बाय 40, सही है। तो आंसर आ रहा है बेटा डी। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए बेटा क्या कह रहे हैं, दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई और रेजिडुअल प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बेटा शेयर कर रहे हैं पार्टनर्स। पार्टनर्स आर चार्ज 2% इंटरेस्ट ऑन देयर ड्रॉइंग, बहुत ही कम है भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और वाई इज एंटाइटल टू सैलरी, वाई को सैलरी भी मिलनी चाहिए 10,000, और ड्रॉइंग दोनों पार्टनर्स की दीवी एक्स और वाई की ड्रॉइंग है। प्रॉफिट फॉर द ईयर इतना है, हमें बताना है रेजिडुअल प्रॉफिट कितना मिलेगा। आसान है बेटा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर से जो कि कितना है 52, याद है। ऐड करते हैं इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्या सवाल में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, बिल्कुल 2%। तो बेटा एक्स और वाई दो पार्टनर है तो 12,000 पे हम लगा देंगे 2%, सही है। कितना आ गया ये हमारा 240 आ गया, और दूसरा कितना है बेटा 8,000 की ड्रॉइंग है, 8,000 का 2%। जी बेटा जी, तो ये 160 आ गया बेटा, इन दोनों को ऐड कर देंगे 400 हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस कर दिया। लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस सवाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हुआ बेटा। लेस करते हैं सैलरी, सैलरी किसको मिलनी चाहिए, वाई को 10,000। तो बेटा अब हमें काम करना है 52,000 में पहले 400 प्लस करना है, तो कितना हो गया बेटा प्रॉफिट 52,400 जिसमें से सैलरी माइनस करनी है, तो कितना बच गया रेजिडुअल प्रॉफिट, रेस्ट इन पीस, नहीं रेजिडुअल प्रॉफिट 42,400। अब इसको हमने डिवाइड करना है इक्वली, ऐसा ही है ना, तो डिवाइड बाय 2 करते हैं भाई। एक के हिस्से में कितना आ रहा है, एक के हिस्से में आ रहा है 21,200, देख ले भाई 21,200 डी आंसर आ रहा है। जी डी आंसर सही है जी। क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं तो आसान था, विच स्टेटमेंट आ करेक्ट। अब कंपनी अकाउंट्स के कुछ सवाल आ गए, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ जनरल रिजर्व, बात सही है बेटा, क्यों, क्योंकि जनरल रिजर्व किसका पार्ट होता है बेटा, रेवेन्यू रिजर्व होता है, रेवेन्यू रिजर्व में से डिविडेंड देना जायज है, चाहे जनरल रिजर्व हो चाहे रिटेंड अर्निंग हो। लेकिन कैपिटल रिजर्व जो है जैसे कि शेयर प्रीमियम और रीवैल्यूएशन रिजर्व, उसमें से डिविडेंड देना जायज नहीं। तो इसका मतलब जो पैसा हमने कमाया है उसमें से डिविडेंड दे सकते हैं, लेकिन जो हमने कमाया ही नहीं वो पैसा डिविडेंड के तौर पे हम नहीं दे सकते, सही है। राइट इशू कैन बी मेड फ्रॉम द शेयर प्रीमियम अकाउंट, राइट इशू कैन बी मेड फ्रॉम द शेयर, नहीं यार देखो शेयर प्रीमियम अकाउंट से हम बोनस इशू कर सकते हैं, राइट इशू नहीं कर सकते यार। राइट इशू में तो हमें प्रीमियम को यूज करने की जरूरत ही नहीं होती ना, बल्कि उल्टा उसमें तो हमें प्रीमियम मिलता है यार। देखो जब हम नए शेयर इशू करते हैं तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, बैंक डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर है 10 वाला, हमने 12 में इशू किया, तो बैंक को 12 से बढ़ाएंगे और कैपिटल को 10 से बढ़ाएंगे और प्रीमियम को 2 से बढ़ाएंगे, सही है ना। तो इसमें तो हम राइट इशू में प्रीमियम को यूज नहीं कर रहे, कैन बी मेड फ्रॉम शेयर प्रीमियम, तो ये बात गलत है। बोनस इशू में हम शेयर प्रीमियम को यूज करते हैं, डेबिट करते हैं, तो ये बात गलत है। जनरल रिजर्व कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग, बिल्कुल रिटेन्ड अर्निंग को हम डेबिट कर देते हैं, कम कर देते हैं और जनरल रिजर्व को बढ़ा देते हैं, तो 1 और 3 वाली बात बेटा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कंपनी हैज द फॉलोइंग बैलेंस ऑन 1st January, जी क्या कह रहे हैं 18 में देखे बेटा क्या कह रहे हैं। बेटा यहाँ पे देखे कंपनी अकाउंट्स का सवाल है, 1st January में डेटा दिया हुआ है, रीवैल्यूएशन रिजर्व दिया हुआ है और रिटेन्ड अर्निंग दिया हुआ है, सही। प्रॉफिट फॉर द ईयर पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते, रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस निकालना आसान है। तो बेटा याद है वो चेंजेस इन इक्विटी जो हम बनाते हैं इसमें हमें रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम बनाना है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा हुआ है बेटा रिटेन्ड अर्निंग में 142। अब आपको पता है बेटा इस साल का जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है, प्रॉफिट फॉर द ईयर से हमारी रिटेन्ड अर्निंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको हम प्लस कर लेंगे। कह रहे रिवैल्यूएशन रिजर्व 20,000 वाज क्रिएटेड 2 years अगो फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये इसकी बात कर रहा है जो 20,000 हमारे पर पड़ा हुआ है कि हमने एक प्रॉपर्टी को रिवैल्यू किया था कब, 2 साल पहले। अब वो कह रहे सेम प्रॉपर्टी वाज रिवैल्यूड ऑन डिसंबर अगेन विद अ रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ 35,000, सही है। अब आप देखें अच्छा सवाल है, पहले से गेन कितना पड़ा हुआ है बेटा बताओ 20,000, अब हमें इसी प्रॉपर्टी पे अब 35 का लॉस हो गया,
तो बेटा याद रखो, जब हमें किसी एसेट पे लॉस हो रहा है और पहले से उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व गेन पड़ा हुआ है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस गेन को खत्म कर देंगे। सही, 35 में से 20,000 हमने राइट ऑफ कर दिए कहां से, रिवैल्यूएशन से। अब मजीद लॉस कितना है, मजीद जो एक्स्ट्रा लॉस है वो 15,000 है। तो 15,000 का लॉस बेटा हम कहाँ चार्ज कर देंगे, रिटेंड अर्निंग। सही है ना, लॉस ऑन प्रॉपर्टी यहाँ चार्ज कर देंगे। और अगर बेटा कोई भी गेन नहीं पड़ा हुआ होता, पहली दफा अगर प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा होता, तो पूरे का पूरा लॉस हम कहाँ चार्ज कर देते, रिटेंड अर्निंग में चार्ज कर देते। सही है, आगे कह रहा है बेटा इंटरिम डिविडेंड पे किया। आपको बताया बेटा जब हम डिविडेंड पे करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो उससे हमारी रिटेंड अर्निंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 40,000। और आगे कह रहा है बेटा फाइनल डिविडेंड वॉज प्रपोज, तो याद रखें अगर डिविडेंड प्रपोज किया या अनाउंस किया या डिक्लेयर किया है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। तो बेटा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा हमारे पास स्टार्टिंग विद 142,000, और ऐड कर दें 105, और बेटा माइनस कर दें कितना 15, और माइनस कर दें 40, तो कितना बचेगा बेटा 192,000 बच गया। तो ये हमारे पास आ गया आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए बेटा क्या कह रहा है, द बैंक बैलेंस ऑफ अ लिमिटेड कंपनी वाज 390 बिफोर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है बेटा, 390। हमने बताना है बेटा व्हाट वाज द बैंक बैलेंस आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन। बहुत आसान है, हम देख लेते हैं बेटा कितना पैसा आ रहा है जा रहा है। इशू ऑफ 5 लाख न्यू शेयर्स ऑफ 0.5 ईच वाज मेड एट अ प्रीमियम ऑफ 0.25। तो बेटा 0.5 में 0.25 ऐड कर लें, तो एक शेयर कितने में इशू किया हमने, 0.75 में। तो बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 लाख शेयर्स इनटू 0.75, पैसा कितना आएगा बेटा 375,000। तो बेटा बैंक बढ़ जाएगा कितने से, 375। डेबेंचर हमने रीपे किया बेटा, जब हम लोन रीपे करेंगे तो हमारा बैंक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्री करें। और बोनस इशू वाज मेड, बोनस इशू से बेटा बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा ही है ना, एक अकाउंट बढ़ जाता है शेयर कैपिटल और एक अकाउंट कम हो जाता है शेयर प्रीमियम। तो बेटा अब हम 390 पहले से पड़ा हुआ था, 375 और प्लस कर लेते हैं, और उसमें से 1 लाख क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो बेटा 19 में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 665,000 बी आंसर आ। सही जी, कोई कंफ्यूजन हो तो फिर मुझे रोक लें। व्हाट माइट कॉज अ डिक्रीज इन कंपनीज एनसीए टर्नओवर। एनसीए टर्नओवर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एनसीए टर्नओवर का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू, सेल्स जो होती है, डिवाइड बाय नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। एनसीए टर्नओवर गिरेगा कब, सही, डिक्रीज कह रहा ना, जब हमारा रेवेन्यू कम हो या नॉन करंट एसेट की वैल्यू बढ़ जाए। सही है ना, तो बेटा एक्सपेंसेस का कोई ताल्लुक नहीं है, रेवेन्यू अगर इंक्रीज होगा तो एनसीए टर्नओवर भी इंक्रीज होगा। सही है ना, रेवेन्यू हमें या तो डिक्रीज करना है या नॉन करंट एसेट को इंक्रीज करना है। बेटा अगर हम नए एसेट खरीदेंगे तो एनसीए टर्नओवर हमारा गिर जाएगा, क्यों, जितने नॉन करंट एसेट खरीदेंगे तो उतना हमारा जो है वो यूटिलाइजेशन हमारा कम हो जाएगा। सही, तो हम चाहते हैं एसेट पुराने से पुराने हो और उस पर रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो, तो सी आंसर। और अगर नॉन करंट एसेट बेचेंगे तो उससे तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर कम होने से एनसीए टर्नओवर बढ़ जाएगा। सही, तो एनसीए टर्नओवर बेटा उसका ज्यादा होगा, जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें करीम की, तो एक शख्स करीम में बाइक गाड़ी चला रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी गाड़ी जितनी पुरानी होगी उतना उसका एनसीए टर्नओवर ज्यादा होगा, और जितनी महंगी गाड़ी वो लेकर लगाएगा करीम में उतना उसका एनसीए टर्नओवर कम होगा, क्योंकि गाड़ी की कीमत बहुत महंगी होगी और इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा हो। बेटा अगर आप देखो लिमिटेड कंपनी का यहाँ पे कोई डेटा दिया हुआ है, शेयर कैपिटल है ईयर एंड पे, रिटेन अर्निंग है, डिबेंचर्स है, रिटेन अर्निंग एट 1 जनवरी ओपनिंग होगी, इंटरिम डिविडेंड कंपनी के काफी सवाल दे दिए, वरना तो 20 से वो शुरू हो जाता है कॉस्टिंग, 21 से तो हो ही जाता है। इंटरिम डिविडेंड ऑफ 45,000 वाज पेड ऑन 1 मई 2021। ROCE निकालना है इस साल का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फॉर्मूला होता है सर ROCE का, यार ROCE का फॉर्मूला होता है बेटा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम रिटेन अर्निंग का वो बना सकते हैं रिकन्सिलिएशन। जैसे अगर आपको याद हो हमने पिछले सवाल में भी देखा है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन अर्निंग का कॉलम कैसे बनता है। बेटा सबसे पहले आती है ओपनिंग रिटेन अर्निंग, फिर इसमें हम ऐड करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। ऐसा ही, तो ओपनिंग कितनी है बेटा रिटेन अर्निंग बताएं, 82। प्रॉफिट फॉर द ईयर बेटा हमें दिया हुआ नहीं है, उसने यहाँ निकालना है। इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ, कितना इंटरिम डिविडेंड पे किया बेटा 45,000, इससे कैपिटल कम हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगी क्लोजिंग रिटेन अर्निंग। तो ये जो दी हुई है 31 दिसंबर की क्लोजिंग है हमारे पास 110। तो क्या रिवर्स वर्किंग करके बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल सकते हैं, कैसे, क्लोजिंग से चलेंगे, जो इंटरिम माइनस हो रहा है डिविडेंड उसको प्लस करेंगे और जो ओपनिंग प्लस हो रहा है उसको माइनस।
तो बेटा 110,000 जो है उसमें 45 प्लस कर दें और 82 माइनस कर दें, तो बेटा यहाँ जो प्रॉफिट आता है रिटेन्ड अर्निंग में वो फाइनल प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, सही है। लेकिन हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है बेटा, हमें चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो बेटा ये जो 73 है क्या इसमें से इंटरेस्ट माइनस हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। इंटरेस्ट कितना होगा बेटा, 1 लाख पे 8%, ऐसे ही है ना, 1 लाख पे 8% कितना होगा, 8,000। तो हम क्या करें, इंटरेस्ट इसमें एड बैक कर दें, यस और नो? क्योंकि बेटा इंटरेस्ट माइनस करने के बाद ये आया ना, तो 73 में अगर हम 8 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 73 प्लस 8 81, इसका मतलब बेटा 81 वो प्रॉफिट होगा जो बिफोर इंटरेस्ट होगा, जिसमें से 8 हमने माइनस किया तो फाइनल प्रॉफिट कितना बचा, 73। डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में बेटा अपना पैसा भी होता है, गैरों का पैसा भी होता है, तो ये तीनों चीजें आ जाएंगी बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड में, इक्विटी और रिजर्व भी आ जाएंगे और डिबेंचर भी आ जाएगा। तो इन सबको ऐड कर लेना, कितना हो गया, 300, 110 और 100, टोटल हो गया बेटा 510। तो बेटा 81,000 हमने कमाया किसके ऊपर, 510 के ऊपर। तो एक काम करते हैं बेटा, 81 को डिवाइड कर देते हैं 510 से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, कितना परसेंट बन रहा है, देखें बहुत सारे डेसिमल आ रहे हैं इसके, 15.88% आ रहा है बेटा, ये आ रहा है आंसर डी, सही है जी। और अगर इसी सवाल में बेटा मैं आपसे कहता हूँ रिटर्न ऑन इक्विटी निकालो, फिर क्या करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स। तो बेटा इसमें हम न्यूमरेटर में हम फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बल्कि प्रॉफिट फॉर द ईयर लेंगे, और डिनोमिनेटर में हम इक्विटी एंड रिजर्व्स लेंगे, सही है ना, इक्विटी एंड रिजर्व्स। तो अगर आप देखें बेटा इस सवाल में फिर हम प्रॉफिट ये वाला उठा लेंगे 73, और इक्विटी में फिर हम ये दो चीजें लेंगे, शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग, कितना आ गया बेटा 410 मल्टीप्लाई बाय 100। देख लेते हैं इसका भी आंसर दिया हुआ एग्जामिनर ने या नहीं दिया हुआ, 73,000 डिवाइड बाय 410,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो वो बेटा अगर रिटर्न ऑन इक्विटी मांगेगा तो आंसर होगा 17.8, इसका आंसर नहीं दिया हुआ, बहरहाल 17.8 आएगा अगर हमने रिटर्न ऑन इक्विटी निकाला। तो बेटा रिटर्न ऑन इक्विटी में प्रॉफिट वो होना चाहिए जो प्योरली इक्विटी से बिलोंग करता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ इक्विटी वालों का पैसा है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में टोटल प्रॉफिट होना चाहिए बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करने से पहले, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों का पैसा है, अपना भी और कैरों का भी। 22nd में देखते हैं बेटा विच स्टेटमेंट अबाउट स्टेप कॉस्ट आर करेक्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है बेटा, स्टेप फिक्स कॉस्ट एक फिक्स कॉस्ट होती है जो एक खास एक्टिविटी तक फिक्स रहती है, और अगर हम एक्टिविटी उससे ज्यादा बढ़ाएं तो कॉस्ट बढ़ जाती है। फिक्स विद इन अ रेंज ऑफ एक्टिविटी लेवल, बात सही है, जैसे रेंट है कि भाई इतने यूनिट्स तक हम एक ही जगह में बना सकते हैं, इससे ज्यादा यूनिट बनाने होंगे तो दूसरी जगह लेनी होगी, ऐसे ही स्टाफ के लिए पिक एंड ड्रॉप की बस, इस तरीके का। फिक्स वॉट एवर द लेवल एक्टिविटी, ये बात गलत है बेटा, वॉट एवर द एक्टिविटी लेवल हो तो वो फिक्स कॉस्ट हो गई, फिर वो स्टेप नहीं हुई। इंक्लूड फिक्स कॉस्ट ओनली, बात सही है बिल्कुल, स्टेप कॉस्ट जो होती है वो स्टेप फिक्स होती है, कभी भी स्टेप वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती, ये फिक्स कॉस्ट की टाइप है स्टेप फिक्स। इंक्लूड बोथ फिक्स एंड वेरिएबल, बात गलत है, तो 1 और 3 बेटा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22nd के बाद 23rd को देखते हैं, प्रोडक्शन वर्कर, हमेशा इसका एक सवाल आता है एम्प्लॉई पे से रिलेटेड। प्रोडक्शन वर्कर को बेटा हम पे कर रहे हैं $15 पर आवर, और नॉर्मली कितने घंटे काम करता है, 8 घंटे। ओवर टाइम का रेट क्या है, रेट ऑफ टाइम एंड अ फिफ्थ का मतलब 1/5 का मतलब बेसिक पे प्लस 20%, सही। जैसे अगर नॉर्मली 10 देते हैं तो यहाँ पे 20% एक्स्ट्रा दे दो, 12 दे दो ओवर टाइम है, सही बेटा। प्रोडक्टिविटी का बोनस भी दिया जा रहा है 21 पर यूनिट, क्या मतलब, अगर हमने ज्यादा यूनिट बनाए तो हर यूनिट पे 21 हम देंगे एक्स्ट्रा। ईच यूनिट प्रोड्यूस इन एक्सेस ऑफ 12 यूनिट पर डे, सही, एक दिन में अगर 12 से ज्यादा यूनिट बनाए तो जितने एक्स्ट्रा यूनिट बनाए उस पर बोनस भी देंगे। लास्ट फ्राइडे प्रोडक्शन वर्कर ने 12 घंटे काम किए और 14 यूनिट बनाए, तो हमने बताना है फ्राइडे में उसकी इनकम कितनी है, सही। तो बेटा अगर आप देखो 12 घंटे उसने अगर काम किए तो हम या तो ये कर सकते हैं कि पहले 8 घंटे जो बेसिक रेट होता है उस पर हम लगा दें $15 के हिसाब से, हो सकता है ना, और फिर जो 4 घंटे एक्स्ट्रा हो गए, सही है ना, उस पर हम दे दें 20% एक्स्ट्रा, ऐसा ही। तो इसकी बेटा कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखें, कैलकुलेशन ऐसे होगी बेटा कि जैसे $8 पे लगाओ 15 के हिसाब से, ये 120 हो गया, और बेटा 20% अगर एक्स्ट्रा लगा दें, $15 पे अगर हम 20% एक्स्ट्रा लगा दें तो ये $18 हो गए, सही, $3 एक्स्ट्रा दे रहे हैं मतलब प्रीमियम, तो 18 लगा दें थे 4 आवर्स के, तो ये हो गया 72, ये ओवर टाइम भी हो गया इसमें और ये बेसिक पे भी हो गए,
प्रोडक्टिविटी बोनस कितना होगा बेटा, उसने 14 यूनिट बनाए, 12 से ऊपर यूनिट पे इसको बोनस दे रहे हैं, तो 2 यूनिट एक्स्ट्रा बनाए, और 1 यूनिट पे बेटा कितना बोनस है, $21 का बोनस है, तो 2 × 21 कर दें, 42 हो जाए, सही बेटा। अब इन सबको ऐड कर दें, टोटल कितने पैसे बनाए इसने जुम्मे वाले दिन, 120, 72 और 42, टोटल पैसे बनाए 234, सही, तो आंसर आ रहा है इसका 234। और अगर इसी सवाल में वो हमसे कहता कि भाई हमने उसको मिनिमम गारंटीड पे भी दी हुई थी 250, तो इसका मतलब फिर वो 234 नहीं लेगा, फिर वो 250 लेगा, सही है ना। मिनिमम गारंटीड पे कब आती है, उस वक्त आती है कि जब उसके पैसे 250 से कम बन रहे होंगे, तो हमें याद दिलाएगा भाई आपने मुझे वादा किया है कम से कम मैं एक दिन में $250 घर लेकर जाऊँ। और अगर मिनिमम गारंटीड पे होती 200, तो फिर वो हमसे 200 नहीं लेता, फिर वो हमसे 234 लेता, सही है। तो जो ज़्यादा पैसे बन रहे हैं वो लेगा, और अगर कम बन रहे हैं तो फिर वो मिनिमम गारंटीड के ऊपर जाएगा। 24 में देखते बेटा, यहाँ पे कुछ इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल है। परचेजेस दी हुई है, 5th अक्टूबर में 50 यूनिट खरीदे 500 के हिसाब से, 12th अक्टूबर में फिर 50 यूनिट खरीदे 500 के हिसाब से, फिर 23 अक्टूबर में 150 यूनिट खरीदे 525, फिर रेट बढ़ गया। ओपनिंग इन्वेंट्री कोई भी नहीं थी अक्टूबर में, बिजनेस यूज कर रहा है फीफो। अक्टूबर में 200 यूनिट हमने बेचे और हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, सही है जी। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ सेल इसको सॉल्व कर लेते हैं, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग इन्वेंट्री है नहीं कैसे आता बेटा, परचेजेस लेस क्लोजिंग सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल जीबी। अब बेटा अगर आप सेल्स देख लो, 200 यूनिट बेचे एट द रेट 900, ऐसा ही है, तो बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं 200 यूनिट्स एट द रेट 900, तो ये आ जाएगा हमारा रेवेन्यू। कितना रेवेन्यू हो गया, 180,000 रेवेन्यू लिख देते हैं। परचेज कितना किया बेटा, टोटल परचेज इसने बता दी, देखो सबको ऐड करके कितनी परचेज है, 128,750। अब आ जाती है क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे आएगी सवाल ही आता है। सर देखें यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, पहले देख लो पूरे महीने में यूनिट खरीदे कितने, ऐड कर लो तीनों को, 250 खरीदे इसमें से बेचे कितने बेटा 200, 250 में से 200 माइनस करो कितने बचे 50। अब सवाल ये आता है बेटा, जो 50 यूनिट बचे हुए होंगे वो टॉप वाली लॉट में से बचे हुए होंगे या बॉटम वाली में से, बॉटम वाली में से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा वो पहले बिकता जा रहा है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ से बची होगी बेटा, लेटेस्ट लॉट में से बची हुई होगी, किस रेट वाली, 525 वाली। तो बेटा 50 यूनिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 525 से, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई, 26250, कितनी आ गई क्लोजिंग, 26250। अब बेटा 128,750 परचेज है, इसमें से 26250 माइनस कर दो, ये आ गई कॉस्ट ऑफ सेल 102,500, और बेटा रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दें तो जीपी आ जाएगा, जीपी आ गया बेटा 77,500, सी आंसर, सही 77,500, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर इसी सवाल में बेटा एफ को होता है एवरेज कॉस्ट, फिर क्या करते हैं, फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए हम एवरेज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, अगर आप देखो टोटल कॉस्ट है बेटा 128,750 और टोटल यूनिट्स कितने बेटा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स है 250, तो बेटा पर यूनिट पर आ रही है 525 के बजाय 515, तो 515 को मल्टीप्लाई करते हैं जो 50 यूनिट बच गए, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पर चेंज हो जाती, सही, सेल्स सेम रहती, परचेज सेम रहती, अगर ओपनिंग होती तो वो भी सेम रहती, सही है, और क्लोजिंग वैल्यू चेंज हो जाती, अगर क्लोजिंग चेंज हो रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल चेंज हो जाती, कॉस्ट ऑफ सेल चेंज हो रही है तो जीपी भी चेंज हो जाती। 25 में देखिए बेटा क्या कह रहा है, 25 में मेरे को डेटा दिया हुआ है, दो डिपार्टमेंट्स हैं फैक्ट्री में, एक मशीनिंग और एक असेंबली, बजटेड ओवरहेड है बजटेड आर दें, फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आर इन मशीनिंग डिपार्टमेंट, बहुत आसान है बेटा, ओ ए आर का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड एक्टिविटी। अगर आप देखो बेटा बजटेड ओवरहेड जो है वो ये दिया हुआ है 180,000 बजटेड ओवरहेड, और बजटेड एक्टिविटी जो दी हुई है हमें वो ये दी हुई है 6,000 आवर्स, सही है जी। तो बेटा आ जाएगा हमारे पर आर, तो ये आ रहा है 30 पर मशीन, यहाँ तो एक ही घंटा दिया हुआ है हमें, और अगर हमें मशीनिंग डिपार्टमेंट में लेबर आर्ट्स भी दिए हुए होते हैं और मशीन आर्ट्स भी दिए होते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर जो आर्ट ज्यादा होंगे वो लेंगे, अगर लेबर आर्ट ज्यादा है तो हम अज्यूम करेंगे लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है, और अगर मशीन आर्ट ज्यादा है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव डिपार्टमेंट। 26 में क्या कह रहा है, व्हाट वुड कॉज ओवरहेड टू बी ओवर एब्जॉर्ब, सही, ओवर या अंडर एब्जॉर्ब कब आता है बेटा, दो रीजन है, ओ ए आर का क्या फॉर्मूला होता है, बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड एक्टिविटी, सही है। तो ओवर एब्जॉर्ब का पहला रीजन ये है बेटा कि जो हमारी बजटेड एक्टिविटी कुछ और है और हमारी जो एक्चुअल एक्टिविटी है वो ज्यादा है, सही है,
एक्चुअल एक्टिविटी ज्यादा है किससे, बजटेड एक्टिविटीज, तो हमारा ओवर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर हमने सोचा था 1000 घंटे काम करेंगे, एक्चुअली 1200 घंटे काम किए, तो अगर ज्यादा घंटे काम करेंगे बजट से तो क्या हो जाएगा, ओवर एब्जॉर्ब। और हमारा जो एक तो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं और दूसरी जो बात होती है वो ओवरहेड की बात होती है, ये न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर में उल्टा हिसाब किताब है बेटा। अगर हमारा एक्चुअल ओवरहेड कम है सही और बजटेड ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, ओवर एब्जॉर्ब होगा। एक्चुअल ओवरहेड इज लेस देन बजटेड, कहा है भाई, ओवरहेड इनकर्ड इज ग्रेटर, ओवरहेड इनकर्ड इज लेस देन बजटेड, डी आंसर होगा। हम आपको उसकी लॉजिक बता देता हूँ बेटा, ओवर या अंडर एब्जॉर्ब का फॉर्मूला क्या होता है याद है आपको, फॉर्मूला होता है बेटा एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड माइनस अमाउंट एब्जॉर्ब, सही है। ओवर एब्जॉर्ब कब होगा बेटा, कि जब हमारा अमाउंट हमने ज्यादा एब्जॉर्ब कर दिया और एक्चुअल खर्चा क्या हुआ है, कम हुआ है। तो बेटा ओवरहेड जो इनकर्ड होता है वो एक्चुअल होता है, कि एक्चुअल खर्चा कम हुआ है देन ओवरहेड एब्जॉर्ब, इसका मतलब बेटा हमने एब्जॉर्ब ज्यादा कर दिया। एब्जॉर्ब जब हम करते हैं तो वो एस्टिमेटेड की बेसिस पे करते हैं, और हमारा एक्चुअल खर्चा कम हुआ है लेकिन हमने ज्यादा एब्जॉर्ब कर दिया तो ओवर, सही है। तो ऐसे याद रख ले बेटा, डिनोमिनेटर में बड़ा सिंपल है, अगर बजट से ज्यादा घंटे काम करेंगे तो ओवर एब्जॉर्ब, एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, इस सवाल में एक्टिविटी नहीं दी हुई, और बजट से कम घंटे काम करेंगे तो अंडर। लेकिन जो न्यूमरेटर है उसका इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर बजट से ज्यादा ओवरहेड एक्चुअल आया तो फिर अंडर एब्जॉर्ब, और अगर एक्चुअल ओवरहेड बजट से कम आया तो इसका मतलब ओवर एब्जॉर्ब। अगर आप देख लें यहाँ पे एक्चुअल ओवरहेड कम है और हमने ज्यादा एब्जॉर्ब कर दिया है तो इसका मतलब ये ओवर एब्जॉर्ब होगा, सही, नेगेटिव आंसर आता है ओवर एब्जॉर्ब। क्वेश्चन नंबर 27 में देख ले बेटा क्या कह रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, बहुत आसान है सर, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल्स में से ऑल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है। ये जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है ना बेटा, ये सारी की सारी क्या होती है, वेरिएबल होती है, और जो ओवरहेड होते हैं वो वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स भी हो सकते हैं। तो हमने कौन से ओवरहेड माइनस करने हैं सर, सिर्फ वेरिएबल माइनस करने हैं, फिक्स ओवरहेड माइनस नहीं करना। लेकिन चाहे वो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हो, चाहे वेरिएबल सेलिंग हो, सारे वेरिएबल ओवरहेड माइनस। तो 85 में से माइनस कर देते हैं 30, 14, 2500 और 10,200, तो 28,300 बच गया सर कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दें किससे, रेवेन्यू से। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है तो सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट होना चाहिए, और अगर कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल है तो रेवेन्यू भी क्या होना चाहिए, टोटल होना चाहिए। तो कितना आंसर आ रहा है बेटा, अगर आप देख लो ये आ रहा है 0.33, और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो बेटा परसेंटेज में आ जाएगा 33.29%। इसका क्या मतलब है बेटा, $100 की सेल्स पे $33 हमारा क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जितना कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा उस सेल्स के मुकाबले में उतना हमारे लिए अच्छी बात है। 28 में देखिए बेटा क्या कह रहा है, लिमिटिंग फैक्टर वाली कोई बात लग रही है, दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं बेटा, सही है, प्रोडक्ट वन पर यूनिट और प्रोडक्ट टू पर यूनिट, सही है। अगर आप देखो बेटा प्रोडक्ट वन जो है उसमें मटीरियल 2 किलो लग रहा है और एक्स, और मटीरियल वाई 3 किलो लग रहा है और लेबर 3 घंटे लग रहे हैं, और जो सेकंड प्रोडक्ट है उसमें मटेरियल एक्स इतना लग रहा है, वाई इतना लग रहा है, लेबर इतना। प्लांट प्रोडक्शन के 100 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, हमने क्या सोचा, दोनों के प्रोडक्ट वन के और टू के दोनों के कितने कितने यूनिट बनाएंगे, 100 100। 700 किलो मटेरियल एक्स अवेलेबल है और 400 किलो मटेरियल वाई अवेलेबल है, और लेबर के कितने घंटे अवेलेबल है, 400। तो हमने बताना है लिमिटिंग फैक्टर क्या है इसमें। अब ये कैसे फाइंड करेंगे बेटा, ऐसे फाइंड करेंगे, अगर आप देखो दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट वन और टू, एक का मैं करके बता देता हूँ बाकी आप खुद कर लेना। अगर आप देखो प्रोडक्ट वन और टू दोनों के 100 100 यूनिट्स बना रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। अच्छा, अब पहले हम बात कर रहे हैं मटेरियल एक्स की। एक अगर आप देखो प्रोडक्ट एक्स बनाने में कितना किलो चाहिए, प्रोडक्ट वन के लिए 2 किलो चाहिए, और प्रोडक्ट वन के लिए, सॉरी मटेरियल एक्स की पहले बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट टू के लिए 4 किलो चाहिए, एग्री कर रहे हैं। तो बेटा अगर आप 100 यूनिट्स बनाएंगे टू के हिसाब से तो 200 किलो हमें इसके लिए चाहिए, सही, प्रोडक्ट एक्स की बात हो रही है, सॉरी मटेरियल एक्स की बात हो रही है, और 100 × 4 = 400 किलो, दोनों को ऐड कर लें बेटा, इसका मतलब टोटल 600 किलो रिक्वायर्ड है किसका, मटेरियल एक्स का, और मटेरियल एक्स का बेटा अवेलेबल कितना है किलो, 700 किलो। इसका मतलब मटेरियल एक्स हमारे लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। लिमिटिंग फैक्टर बेटा एक ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन रुक जाए बीच में। अब यही हरकत कर लें वाई के लिए, बेटा दो प्रोडक्ट बना रहे, प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू,
प्रोडक्ट वन का अगर आप देखो मटेरियल वाई की बात कर रहे हैं, 100 यूनिट बना रहे हैं, एक यूनिट को बनाने में 3 किलो लगेगा, 300 किलो, सही है, और मटेरियल वाई प्रोडक्ट टू को बनाने में 1 किलो लगेगा, सही है, दोनों को ऐड कर लें 300 और 400 किलो। इसका मतलब मटेरियल वाई बेटा जितना चाहिए वो भी पूरे का पूरा अवेलेबल है। इसका मतलब बेटा यही समझ में आ रहा है कि लेबर हमारे लिए लिमिटिंग फैक्टर है। चेक कर ले भाई लेबर को भी, दो प्रोडक्ट बना रहे वन और टू, दोनों के कितने कितने यूनिट बना रहे बेटा, 100 यूनिट्स ईच। एक प्रोडक्ट वन बनाने में 3 घंटे लगते हैं लेबर के, और एक प्रोडक्ट टू बनाने में 6 घंटे लगते हैं। तो 100 × 3 300 आवर्स चाहिए प्रोडक्ट वन को बनाने में, और 600 आवर्स चाहिए प्रोडक्ट टू को बनाने में। दोनों को ऐड कर लें, टोटल कितने घंटे रिक्वायर्ड है बेटा, 900 घंटे, लेकिन अवेलेबल घंटे कितने हैं, 800 घंटे। तो बेटा ये क्लियर हो गया है कि लेबर आवर्स हमारे लिए क्या है, लिमिटिंग फैक्टर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे आगे, अगर हमें, वैसे तो यहाँ इस सवाल में नहीं पूछा, इसमें हम रैंकिंग करेंगे। यार रैंकिंग कैसे आएगी, दो प्रोडक्ट्स हैं वन और टू, पहले हम इसका निकालेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैसे निकालेंगे आप कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बेटा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल ये आ रहा है 10 और ये आ रहा है 15, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, लेबर आवर्स पर यूनिट से। किससे डिवाइड कर देंगे, लेबर आवर्स, जो कि कितना कितना आ रहा है 3 और 6, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 6, तो ये क्या आ जाएगा बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। तो जैसे इसका आ रहा है 3.33, इसका आ रहा है 2.5, सही है। तो रैंकिंग वाइज पे नंबर वन प्रोडक्ट हमारी ये होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा है और इसमें कम। तो इस तरीके से बेटा हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट बनानी है पहले और कौन सी बाद में बनानी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, ब्रेक इवन पॉइंट है यूनिट्स में। इफ द बिजनेस चेंजेस इट्स प्रोडक्शन मेथड कॉन्ट्रीब्यूशन विल इंक्रीज बाय 10%। अगर हम अपनी प्रोडक्शन की जो टेक्निक है जो भी है उसको चेंज कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा कितने से, 10, और फिक्स कॉस्ट कितने से बढ़ेगी, 5%। हमें बताना है इफेक्ट क्या पड़ेगा ब्रेक इवन पॉइंट। इसका आसान तरीका यह है बेटा कि एग्जिस्टिंग ब्रेक इवन तो हमें दिया हुआ है, अब हम रिवाइज ब्रेक इवन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते, रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है बेटा, इसका फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमने बताना बेटा कि हमारे ब्रेक इवन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी 5% से। अभी फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, 21600, इसको 5% से बढ़ा दें, 21600 को बेटा मल्टीप्लाई कर दें 1.05 से या 105% से, तो आ जाएगी रिवाइज फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई बेटा, 22680, ये आ गई फिक्स कॉस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट भी बेटा हमारा चेंज हो जाएगा, कह रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा इंक्रीज हो जाएगा बाई 10%। अभी देख लो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 100 माइनस 40 यार है 60, तो 60 को बेटा बढ़ा दो 10% से, तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, यस और नो, 60 को 10% से बढ़ा दो, तो बेटा जो हमारी फिक्स कॉस्ट है रिवाइज, उसको रिवाइज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करो, तो ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है बेटा हमारा कितना, 344 यूनिट, कितना आ रहा है 344 यूनिट, और अभी कितना है बेटा 360, तो 360 से हम 344 पे आ गए बेटा, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन सॉरी ब्रेक इवन बढ़ गया कम हो गया, 360 से बेटा 344 पे आ गए तो अच्छी बात है, हमारा ब्रेक इवन कम हो गया, कितने से कम हो गया सर 16 यूनिट से ब्रेक इवन कम हो गया। ब्रेक इवन कम होना बेटा अच्छी बात है, जितना हमारा ब्रेक इवन कम होगा उतना जल्दी हम प्रॉफिट को रीच कर लेंगे। और आखिरी सवाल हमेशा बजटिंग का आता है, आसान होता है, लिमिटेशंस क्या है बजटरी कंट्रोल सिस्टम के, नॉर्मली फायदे नुकसान ही पूछता है, यहाँ पे नुकसान पूछ रहा है क्या लिमिटेशन है, कहाँ पे बजटिंग फेल हो जाती है। बजट्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट, बिल्कुल बजट्स एक्चुअल नहीं होते, एस्टिमेट होते हैं, क्योंकि बजट्स हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं, पास के लिए नहीं बनाते हैं, और जरूरी नहीं है कि जो हमने एस्टिमेट बनाए वो रिलायबल हों, वो ट्रू हों। बजट्स में लीड टू स्टाफ डीमोटिवेशन, बजट से स्टाफ डीमोटिवेट हो सकता है, क्यों, अगर आपने एक टारगेट दिया मैनेजर को जो कि बहुत ही ज़्यादा आइडियल टारगेट है, और आपको पता है आइडियल अचीव नहीं हो सकता, जन्नत की बात है, आपने उसको बताई कि भाई 7 डेज काम होना चाहिए, 365 डेज काम होना चाहिए, कोई वेस्टेज नहीं होने चाहिए, कोई इनएफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, तो फिर हम आपको बोनस देंगे। वो बोलेगा यार आप पहले ही बता दो आपने नहीं देना बोनस। इसकी ऐसी मिसाल है कि भाई आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि भाई ए लेवल में स्ट्रेट एज आएंगे तो हम आपको नया आईफोन दिलाएंगे, तो आपने बोला यार यहाँ तो पास होने के वांदे हुए हैं, आप स्ट्रेट एज की बातें कर रहे हैं, आपने नहीं दिलाना पहले ही मना कर दें, सही है, तो फिर स्टाफ डीमोटिवेट हो जाता है, इतना आइडियल टारगेट ना हो कि स्टाफ पे डीमोटिवेटेड। बजट्स में प्रिवेंट मैनेजर्स फ्रॉम बीइंग क्रिएटिव, बिल्कुल बजटिंग क्रिएटिविटी को रोकती है, सही है, क्यों, क्योंकि बजट्स में आप हर चीज में जो है ना वो उस पर चल रहे होते हैं, एक
टाइट्स कैजुअल में चल रहे होते हैं, उसमें फिर आप अपने यहाँ वहाँ नहीं जा सकते, क्रिएटिविटी इनोवेशन आप नहीं कर सकते। मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे आप जा रहे हैं भाई कहीं टूर पे किसी मुल्क में, फॉर एग्जांपल दुबई में जा रहे हैं, लेकिन आप एक बजट बनाकर जा रहे हैं भाई मैं 1.5 लाख या 2 लाख से ज्यादा मुझे खर्च नहीं करने, तो फिर उसमें क्रिएटिविटी नहीं हो पाएगी। जो एक फिक्स प्लान है आप उसी के तहत चलेंगे, और जो आपका वो ऑफर कर रहा होगा टूर वाला आप वही लेंगे, फिर और कोई टूरिस्ट अट्रैक्शंस आप नहीं देख सकते, कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको हर वक्त फिक्र होगी कि कहीं मेरे पैसे खत्म ना हो जाए। लेकिन अगर आप भाई जो है वो अब्बा का क्रेडिट कार्ड लेकर जा रहे हैं और आपके अब्बा जो है वो बेफिक्र है इस मामले में, तो फिर आप अपनी फिर इनोवेशन लेकर आएंगे, फिर सही है ना, फिर आप जो है एवोकाडोस भी खा रहे होंगे, स्नैपचैट भी कर रहे होंगे, सब कर रहे होंगे, फिर उसमें जो है वो क्रिएटिविटी आपकी खुल के सामने आएगी, क्योंकि आपको बजट की फिक्र नहीं होगी।